आज के दौर में हर कोई अपने गिरते बालों को लेकर चिंता जाहिर करता रहता है। टूटते और झड़ते बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो महंगे और केमिकल युक्त हेयर ट्रीटमेंट लेने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आप भी घने, लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो ये जो घरेलू उपाय आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इन्हें फॉलो कर लेना। आपके बालों को पर्याप्त पोषण और आपको केमिकल का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। सभी चीजें आपके घर पर आसानी से मिल जाएंगी और इन सभी का यूज करना भी काफी ज्यादा आपके लिए आसान होगा। तो बाल बढ़ाने के 21 उपाय। सबसे पहला, नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाएं। एक चम्मच नारियल का तेल और 2 से 3 बूंद नींबू के रस की मिलाकर आप अपने बालों में लगाइए। उसके बाद अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर सिर में मालिश करें, इससे आपकी बालों की मजबूती बनी रहती है। तीसरा, प्याज को पीसकर उसका 2 चम्मच रस निकाल लें। इस रस से बालों की हल्के हाथों से मसाज करें। प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं जो आपके बालों में लगकर आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और अगर आप प्याज खाते भी हैं तो इससे आपके बालों पर खूब अच्छा असर पड़ता है। उसके बाद आंवले का मुरब्बा खाएं, चाहे तो कच्चा आंवला भी रोज खा सकते हैं और अपने बालों में आंवले का तेल भी लगा सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा का सेवन करने से भी बालों का पोषण मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं। आप एलोवेरा का सेवन यानी खा भी सकते हैं और एलोवेरा को लगा भी सकते हैं, इससे आपके बाल मजबूत और मुलायम होंगे। बालों में अरंडी का तेल से मसाज करें, यह टूटते बालों की रफ्तार को रोक देता है क्योंकि इस तेल से आपके बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है जिससे बाल मजबूत और मुलायम बने रहते हैं। उसके बाद मेथी के दानों को रात भर के लिए भिगो दें और सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं, फिर सिर को धो लें, इससे आपके बाल अच्छे खासे मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद नारियल का दूध भी बालों में पोषण देता है, आप हफ्ते में एक बार नारियल के दूध से बालों की मसाज कर सकते हैं। 9वां, आलू में विटामिन ए, बी और सी का भंडार होता है, इसके रस को बालों में आधा घंटा तक लगाए रखें और फिर धो लें। 10वां, जैतून के तेल से 30 दिन में एक बार रात को बालों की मालिश करें, इससे बालों को हर तरह का पोषण मिलता है और बाल लंबे समय तक मुलायम और मजबूत बने रहते हैं। नारियल और शीशम के तेल में गुड़हल के फूल का पेस्ट मिलाएं और 15 मिनट तक लगाएं, इससे भी आपके बाल मजबूत, लंबे और घने बने रहते हैं। मेहंदी भी बालों में पर्याप्त पोषण देती है, सप्ताह में एक दिन अपने सिर में मेहंदी लगाएं। अगर कहीं से मिल जाए तो नेचुरल मेहंदी लगाएं, नहीं तो आप आर्टिफिशियल मेहंदी भी लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट में आती है। मेहंदी में अंडा और चाय की पत्ती का पानी मिलाकर रात भर काली कढ़ाई में रखें और फिर सिर पर लगाएं, इससे आपके बाल घने और मजबूत होते हैं। पकी हुई नाशपाती को मैश करके इसमें जैतून का तेल और केला मिलाएं और सिर पर लेप लगा लें, इससे सिर की त्वचा को भी पोषण मिलेगा। उसके बाद मुलायम और काले बालों के लिए शिकाकाई भिगोकर रखें और इसे बालों पर लगाएं, बाल काले और घने होंगे। उसके बाद रीठा और आंवला भी बालों को पोषण देते हैं, इनका पेस्ट बनाकर बालों पर लगाएं, इससे बालों को पोषण मिलेगा। उसके बाद तिल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके तेल की मालिश बालों की जड़ों में करें, बाल घने हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। सरसों के तेल को गर्म करके इसमें नारियल का तेल, तिल का तेल और अरंडी का तेल मिलाएं और इससे सिर की मालिश करें, बालों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं, इससे बाल भी लंबे होंगे और उम्र भी बढ़ेगी। उसके बाद आप अपने बालों में विटामिन ई के कैप्सूल भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप अपने बालों को मजबूत, मुलायम और घने कर सकते हो। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।